हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वे सिविल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज आप लोगों का सिखाऊंगा हमारा चिमनी। देख सकते हैं पीछे, थोड़ा चिमनी को दिखा, देख सकते हमारा पीछे चिमनी है। तो चिमनी का वर्टिकलिटी कैसे चेक होता है, ठीक है, विथ टोडल लहसुन। टोडल लहसुन का दरिया है, चिमनी का वर्टिकलिटी कैसे चेक होता है उसको हम यूज़ करेंगे MLM का द्वारा, मिसिंग लाइन मेजरमेंट का। क्योंकि हम पहले एक बेस पॉइंट लेंगे नीचे से, देन हम थोड़ा ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद आप लोगों को दिख जाएंगे जो हमारा जो डिस्टेंस है कितना है हमारा चिमनी का, देन उसका वर्टिकल कितना फर्क है, जो स्लोप डिस्टेंस है मतलब उसका कितना एमएम फर्क आया है वो भी आप लोगों को शो हो जाएगा। अभी क्या है, मैकेनिकल जब इरेक्शन होता है उस टाइम क्या होता है, हमारा जब मान के चलिए एक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है हमारा कॉन्क्रीट से, तो तब क्या होता है वहाँ से लेके टारगेट को लेकर नीचे तक जब आते हैं तो टेप से माफ़ी करके पता चल जाता है जो कितना एमएम का एरर है। तो अभी क्या है, अभी उस तरीके से एरर चेक नहीं करेंगे क्योंकि नीचे भी हमारा कुछ बेस नहीं है। तो अभी हम लोगों को मिसिंग लाइन मेजरमेंट के दौरान हम दिखा देंगे। तो चलिए टोटल लहसुन को सेटअप कर लेते हैं जल्द से जल्द और दिखाता हूँ आप लोगों का कितना एरर मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा चिमनी का फ्लैम, और हमारे साथ में है शिव जी साइड इंजीनियर। तो चलिए देख लेते हैं साथ में, चलो टोटल लहसुन लगाओ। देख सकते हैं हमारा टोटल लहसुन स्टैंड के ऊपर सेट हो चुका है, और अब लोगों को इसके लिए बैक साइड करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि हम टील को आप लोगों को ज़रूरत होगा क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए, सिर्फ हमको रेफरेंस चाहिए दो डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, टील कर लेंगे। टील हमारा देख सकते हैं 0-0 है, देन हम लोग इसको एंटर पर ओके कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेनू में चल जाएंगे, तो हमारा ये फॉन्ट स्क्रीन है, और उसके बाद थोड़ा सा डिस्प्ले को हम घुमा लेते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है सूरज का किरण से। तो देख सकते हैं हम F4 में जाएंगे मेनू में। मेनू में आने के बाद आप लोगों को आना है MLM। ये हम यूज़ कर रहे हैं सोकिया का IM सीरीज IM50। तो IM50 101 CX का सब एक ही है, तो हम देख सकते हैं REM हो गया, तो हमको MLM में जाना है। देख सकते हैं जरा MLM मिल गया, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद उसके अंदर दो ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, ऑक्यूपेशन ओरिएंटेशन और उसके बाद MLM। तो MLM में हम एंटर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हमारा जो टारगेट है उसको हम करेंगे क्योंकि हम फिलहाल नॉन प्रिज्म से लेंगे क्योंकि हमारा जो वॉल है उसमें प्रिज्म पकड़ेंगे तो थोड़ा जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा अलग आ सकते हैं, जो भड़ी की लेडी हमारा है वो कम आ सकती है, इसलिए हम नॉन प्रिज्म से करेंगे। तो इसे इसके लिए आप शिफ्ट दबाइए। शिफ्ट दबाने के बाद देख सकते हैं इधर चेंज हो गया, नॉन प्रिज्म का प्लस आइकॉन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम पहला मेजर करेंगे, ठीक है। तो आइए, नॉन प्रिज्म कर लिया और उधर देख सकते हैं बांधा जाएगा हमारा प्लैम है, हम यहाँ से ही चेक करेंगे। हमारा जो बांधा है देख सकते हैं इधर है, तो हम यहाँ से प्लैम चेक करेंगे। तो हम पहले टारगेट करेंगे, ठीक है। तो पहले टारगेट कर लेते हैं, हम नॉन प्रिज्म में कर लिया हूँ और टारगेट कर लेता हूँ। पहले देख सकते हैं उसका जो ऊपर है जो लकड़ी पकड़ा है उसको ऊपर से हम टारगेट लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऊपर से। और जो लेंगे सेल में, सेल मतलब जो हमारा चिमनी का दीवार है, जो आउटर दीवार है उससे लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेंगे। अब नज़दीक के लिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर लिया हूँ, देख सकते हैं दो काजर है, काजर का कंडीशन ऐसा है, तो हम थोड़ा सा ऊपर लिया हूँ क्योंकि हमको बाटम को ऊपर लेंगे तो उसमें एरर आ सकता है क्योंकि वर्टिकलिटी वाली दिक्कत आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप मेज़र करेंगे, ठीक है, पहले स्टेप हम मेज़र करेंगे। एक बार मेज़र कर लिया तो हम लोग डिग्री देखना है, 0-0 आना है डिग्री, दो बार यही डिग्री आएगा। तो उसके बाद इसको हम लेंगे, तो 3:49 पहले भी आया था। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर करेंगे, हमारा जो टेलीस्कोप है इसको हम ऊपर करेंगे, हमको जितना दूर टारगेट लेना है। मान के चलिए हमारा चिमनी अभी 28 मीटर तक चला गया, लेकिन हम लोगों को 28 मीटर रीडिंग नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा जीरो लेवल से हम नहीं दे रहा हूँ, तो मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ। तो हम ऊपर शॉट लेता हूँ जिधर हमारा सेल का है, सेल का नीचे से ही लूँगा और दिखाता हूँ आप लोगों को, ओके। तो लोग भी देख सकते हैं तो देख लीजिए एक बार, ठीक है, टारगेट देख लिया। उसके बाद हम करेंगे MLM, ठीक है, ओके, अभी MLM कर दिया, ठीक है, दोबारा एक बार सॉल्व लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा जो इसमें दिखा रहा है जो स्लोप एंड वर्टिकल डिस्टेंस 21 मीटर 413 है, ठीक है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है हमारा कितना है 21 मीटर 413, मतलब बराबर ही है, एक से थोड़ा घुमाने से थोड़ा हिल गया है। एक बार मेजर करेंगे, हाँ, तो देख सकते हैं इधर है, बराबर आ रहा है अभी। तो इसको थोड़ा डाउन करेंगे, थोड़ा डाउन करके लेंगे तो 1-2 mm का फर्क आपको दिखाएगा क्योंकि जैसा है देख सकते हैं ये भी बराबर है। तो थोड़ा और डाउन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऐसा करके करिए, पहले जब लेना है एक बार मेज़र करिए, और मेज़र करने के बाद इसको थोड़ा उठाइए, और उसके बाद
MLM करिए, ठीक है, देख सकते हो आपको 0-0 मिल गया। ओके, तो इस प्रकार से करना है आप लोगों को MLM। तो है इस वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ आज वीडियो था। तो हम टोटली एक्सप्लेन कर दिया जो वर्टिकलिटी कैसे चेक होता है, टोटल लेसन के दौरान, एमएलएम के दौरान, मिसिंग लाइन मेजरमेंट के दौरान। तो चलिए, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे, फिर मिलूंगा कहीं नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।